आज जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो इफेक्ट हमने स्टडी करना है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर कॉमन आयन के मौजूद होने की वजह से होगा। अब वो इफ़ेक्ट क्या होगा, वही बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट है और उसको ही हमने जो है इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है ए। ए इलेक्ट्रोलाइट है, वो इस सॉल्यूशन या सिस्टम के अंदर जाके आयनाइज होगा। अब सपोज ये करते हैं कि हमारे पास जो ए इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इस सिस्टम के अंदर जाएगा और आयनाइज होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि आपके पास उसकी आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट पहले ही वीक है। मैं इस सिस्टम के अंदर एक नया इलेक्ट्रोलाइट बी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसकी इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो ये उसकी आयनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा है। ये जो बी मैंने एंटर करवाया ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बी और ए में क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ कॉमन आयन, एक आयन उनके अंदर जो है वो कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है एक इलेक्ट्रोलाइट ए, तो मैं इसके अंदर अगर HCl एज अ बी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवा देता हूँ तो क्लोरीन का आयन जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन आयन है। तो ए और बी जो दो इलेक्ट्रोलाइट आपके सिस्टम में मौजूद होंगे उनके अंदर कोई एक आयन कॉमन ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ दी कंडीशन। अब कॉमन आयन की मौजूदगी से इफ़ेक्ट क्या आएगा, वो इफ़ेक्ट जो है वो कॉमन आयन इफ़ेक्ट है और वो इफ़ेक्ट ये होगा कि कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से आपके पास जो आयनाइजेशन ऑफ ए है, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो जाएगी, विल बी सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब है कि एक तो वो पहले ही कम थी और कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से वो और भी कम जो है वो हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब सिंपल सी बात है, जाहिरी सी बात है कि ये पहले से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने नई चीज़ डाल दी वो स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये जैसे ही सिस्टम में जाएगा इट विल आयनाइज मोर, मोर आयनाइजेशन जो सी है वो होगी। ज़्यादा आयनाइजेशन का मतलब है कि एक चीज़ पहले ही वीक थी तो उसको वो मज़ीद सप्रेस कर देगा, मज़ीद उसकी आयनाइजेशन को रोक देगा और दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड दी कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो ये जनरलाइज हमने कॉन्सेप्ट लिया कॉमन आयन का। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से जो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट को मज़ीद देखने जाते हैं और यही हमने एग्जांपल लेनी है NaCl की और HCl की। अगर आपको याद हो तो NaCl की प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में हम क्या करते होते हैं, हम HCl को ऐड करवाते हैं और उसका मकसद एग्जैक्टली यही होता है कि कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से जो है NaCl की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाए। NaCl इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड HCl इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब NaCl आपका पहले से सिस्टम में मौजूद था, इसकी इक्वेशन ये थी Na पॉजिटिव इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, आपने सॉलिड NaCl डाला था, सॉल्यूशन में गया, Na पॉजिटिव अलहदा हो गया और Cl नेगेटिव जो है वो आपके पास अलहदा हो गया। इसकी इक्विलिब्रियम की जो
इक्वेशन बनेगी वो ये होगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद था, आपने क्या किया, आपने ऐड किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर कॉमन आयन मौजूद है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जी HCl। अब HCl जब सिस्टम में आया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपने जब ऐड करवाया तो इसने अपनी आयनाइजेशन जो है वो की, स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा की। अब क्या हुआ कि NaCl में और HCl में क्लोरीन आयन कॉमन हो गया, इस कॉमन आयन के होने की वजह से इक्विलिब्रियम जो था वो क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। जाहिर सी बात है कि आपके पास एक सिस्टम के अंदर पहले क्लोरीन नेगेटिव की एक कंसंट्रेशन मौजूद थी जो कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे था, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब बाहर से मजीद सी एल नेगेटिव जब इसके अंदर आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी इंक्रीज। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये जो के सी था जिसके अंदर एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव और एन ए सी एल की कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके के सी की वैल्यू निकाली हुई थी, अब इस सिस्टम के अंदर सी एल की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब सी एल की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब के सी की वैल्यू तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में, के सी तो कांस्टेंट होता है, तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास क्लोरीन की कंसंट्रेशन जो अब बढ़ चुकी है इसको हमें डिक्रीज करना होगा, हमें नहीं बेसिकली सिस्टम को डिक्रीज करना होगा ताकि के सी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब सी एल नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी ताकि ये वैल्यू जो होती है ये इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो, वो इस तरह से होगी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये रिएक्शन जो है ये अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। अब क्या होगा, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव जो है अब फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और एन ए सी एल सॉलिड फॉर्म में आपके पास प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा, PPT इसके बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। दोबारा से इसको हम समराइज करते हैं, के सी बराबर था एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव और एन ए सी एल की कंसंट्रेशन के ऊपर। आपने जब बाहर से एच सी एल डाला तो एच सी एल की वजह से सी एल नेगेटिव की क्वांटिटी इसके अंदर आके ऐड हो गई और ये ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज करने से के सी की वैल्यू चेंज हो गई, जबकि के सी क्या होता है, के सी तो होता है कांस्टेंट, के सी तो हमेशा सेम रहेगा। तो अब सिस्टम ने इस के सी की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए इस क्लोरीन की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेगा कि एन ए सी एल जो मौजूद था चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन को आपका सिस्टम सप्रेस कर देगा, इसको दबा देगा, इसकी आयनाइजेशन रोक देगा, कम कर देगा और एन ए सी एल सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट था कि जिसके अंदर हमने देखा कि एडिशन ऑफ कॉमन आयन, अब अगर आप अपनी बुक में कॉमन आयन की डेफिनेशन को पढ़ें कॉमन आयन इफेक्ट की, तो वो यही ही कह रहा है, वो कह रहा है जी कि आपके पास द एडिशन ऑफ कॉमन आयन ऑफ अ सोल्यूशन, एडिशन ऑफ कॉमन आयन इन द सोल्यूशन ऑफ किसका सोल्यूशन, लेस सोलूबल इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इस केस में क्या था, NaCl था। वो कहते हैं जी कॉमन आयन को जब आप ऐड करें किसी भी लेस सोलूबल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो उसके एडिशन ऑफ कॉमन आयन क्या करेगा, इट विल सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ इट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को वो
सप्रेस कर देगा, और यही कॉन्सेप्ट जो है आपके पास क्या होगा, कॉमोनाइन इफेक्ट कहलाएगा, कॉमोनाइन इफेक्ट। और ये हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होती है कि हम किसी भी चीज़ में जब हम टेस्टिंग करते हैं, खासतौर पर सॉल्ट्स की, और आप अपने नेक्स्ट ईयर में जाके प्रैक्टिकल्स में सॉल्ट एनालिसिस भी करेंगे, तो उसमें आप कॉमोनाइन ऐड करवा के अपना रिक्वायर्ड जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कॉमोनाइन कौन सा है। और ये सारी जो सी है टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी टेस्टिंग में। तो कॉमोनाइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड्स में खासा क्लियर जो है वो बन चुका है। अब हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। पहला जो है आपके पास, आपके बुक ही की एग्जांपल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कि आपके पास KClO3 है जो कि क्या है, लेस सोलूबल है। इसके सोल्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप KCl को ऐड करवा देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को। ये क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक था ये स्ट्रॉन्ग था। K पॉजिटिव इसके अंदर क्या है, कॉमन आयन है। हुआ क्या, KClO3 आपके सिस्टम में मौजूद था जो कि आपने सॉलिड ऐड किया था, ये जब आपके सॉल्यूशन में जाके अलहदा हुआ तो ये आ गया पोटाशियम आयन में और ClO3 नेगेटिव के अंदर। दूसरा आपने सॉल्ट ऐड करवाया KCl और वो कुछ इस तरह से सेपरेट हो गया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये आपके पास कॉमन आयन था, इसकी मौजूदगी में ये आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक सोलूबल लेस सोलूबल सोल्यूशन था, ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये आपके पास सिस्टम से सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही है कि कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेस आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो पहली एग्जांपल थी कॉमन आयन इफेक्ट की, जो आपकी बुक में भी डिस्कस्ड है। दूसरी अब जो एग्जांपल है वो है जी आपके पास H2S की। वो ये कहता है जी कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये क्या है, ये बेसिकली वीक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करवा देते हैं ताकि हमारे पास H2S जो है वो बंद हो जाए, उसकी आयनाइजेशन कम हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा HCl और H पॉजिटिव इनमें क्या होगा, कॉमन आयन। तो ये कॉमन आयन जब इसमें आएगा तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। सप्रेस करने का मतलब है कम कर देना, दबा देना किसी चीज़ को, तो उसकी आयनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी। इनके रिएक्शंस जो उनसे हैं, H2S जो पहले मौजूद था वो 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव के अंदर आयनाइज हुआ हुआ था, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इंट्रोड्यूस किया, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर जाके डिसोसिएट हो गया। और इस कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन हो गई सप्रेस, और आपके पास ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी एग्जांपल थी हमारे कॉमन आयन इफेक्ट की। अभी तक हमने जो एग्जांपल स्टडी की हैं, देयर थ्री बेसिकली। एक जिससे हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया NaCl और HCl की, फिर हमने देखा कि KClO3 एंड KCl इनमें कॉमन आयन इफेक्ट, और फिर हमने H2S और HCl के अंदर देखा, यहाँ पर Cl नेगेटिव था कॉमन आयन, यहाँ पर K पॉजिटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव। अब हम चलते हैं आपकी की बुक की अगली एग्जांपल के तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 3 है, और वो ये कहती है कि आपके पास जो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस
अब ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्यूशन में मौजूद होगी। आप क्या करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सिस्टम में ऐड करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और इनके अंदर जो अमोनियम आयन है NH4+, ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन आयन। अब ये NH4OH जो आपके पास सिस्टम में मौजूद थी, ये अमोनियम आयन सेपरेट कर देती है विद हाइड्रोक्सल आयन। अब ये वीक है इलेक्ट्रोलाइट, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाया जो कि था NH4Cl, ये सिस्टम में जाके डिसोसिएट हो गया NH4+ और Cl- के अंदर। ये अब आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे पास जो है NH4+ जो कि अमोनियम आयन है, दिस इज अमोनियम आयन इज नाउ कॉमन आयन। तो कॉमन आयन जब भी मौजूद होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। तो इसकी आयनाइजेशन सप्रेसेस इट्स आयनाइजेशन, तो आपके पास कॉमन आयन की मौजूदगी में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सप्रेस हो गया। और ये टेक्निक जो है हम यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट किस्म की जो सी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं तो उनके अंदर। तो यहाँ पर अब हम अगर समराइज करें अपने कॉमन आयन इफेक्ट को, तो कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि आपके पास सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। और कॉमन आयन का सोर्स क्या हो, फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर ए जो है वो मौजूद है, या फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल सी को रिवर्स करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक सिस्टम था जिसके अंदर HCl मौजूद है। अब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि HCl की सप्रेस कर दूँ, HCl की आयनाइजेशन को सप्रेस किया जाए। HCl की आयनाइजेशन को सप्रेस करने के लिए मैं जो नया इलेक्ट्रोलाइट डालूँगा वो HCl से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं NaCl डाल देता हूँ तो NaCl वीक है, तो NaCl कॉमन आयन तो दे देगा लेकिन वो इसकी जो आयनाइजेशन है उसको सप्रेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो कॉमन आयन का सोर्स है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी आपने जिसकी भी आयनाइजेशन को सप्रेस करवाना है, वो आयनाइजेशन जिसकी सप्रेस होनी है वो वीक होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी आयनाइजेशन सप्रेस नहीं होगी। तो हमेशा आपने अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ही की जो है सप्रेस होगी। और आप अगर आप चाहते हैं कि ए और बी में से आपके पास एक वीक है और एक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मुझे बी की आयनाइजेशन को रोकना है तो मुझे सी ऐड करना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्गर होगा बी से। ए मेरे लिए फिर काम नहीं करेगा क्योंकि ए तो बी से वीक है, तो ए की अपनी सप्रेस हो जाएगी आयनाइजेशन, बी की आयनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग सिस्टम की या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को कम करवाना है तो मुझे जो कॉमन आयन के लिए इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा वो उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बात भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर होना चाहिए। आखिरी बात वो आपकी बुक में कर रहा है कि ये जो है आपके पास एनालिसिस के अंदर जो उनसे आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा टर्म जो सी हैं वो इस्तेमाल होती है। ये एक बेसिकली एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ की, आप टेस्टिंग करते हैं, आप बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पाउडर देता हूँ,
ए, और आपको मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये पाउडर कौन सा है। तो इसमें दो टेक्निक्स आप इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ होगी क्वालिटेटिव, आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आप कहेंगे इसके अंदर एन ए मौजूद है और सी एल मौजूद है, और फिर आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आप कहेंगे एन ए और सी एल जो हैं आपस में 1:1 से मिले हुए हैं। तो ये जो जो दो टेक्निक्स होती हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली एनालिसिस से रिलेटेड केमिस्ट्री होती है, और दिस इज़ अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉमन आइन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज अ टेस्टिंग टेक्निक। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट कॉमन आइन इफेक्ट।